राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालयों के कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी द्वितीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक हमारी हिंदी भाग 3 में सम्मिलित पाठों का आदर्श वाचन। प्रस्तुत है पाठ सौर ऊर्जा। प्राचीन भारत में हमारे ऋषि मुनि सूर्य को देवता मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वे यह कल्पना करते थे कि सूर्य एक ऐसे रथ पर यात्रा कर रहा है जिसमें केवल एक ही पहिया है। सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते हुए हैं। यदि हम इन कल्पनाओं के अर्थ को समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि केवल एक पहिया बिना किसी सहारे के अपने आप खड़ा ही नहीं रह सकता। उसे सदा घूमते या चलते ही रहना होगा। कहते हैं कि सूरज के 7 घोड़े हैं जो सूर्य की किरणें हैं। इनके 7 रंग हैं, लाल, पीला, हरा, नारंगी, आसमानी, बैंगनी और नीला। ऋषियों ने जब वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य को देखा तो उसे इस सृष्टि की आत्मा कहा। हमारी सृष्टि में जो कुछ भी है वह सूर्य के कारण ही है। उसकी किरणें हमें प्रकाश देती हैं। उसकी गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में बादल के रूप में छा जाता है और वर्षा करता है। के प्रकाश से पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगते और बढ़ते हैं। वे फूलते और फलते हैं। हम अपनी भाषा में कहते हैं कि सूर्योदय हो गया या सूर्यास्त हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि सूर्य न तो कभी उदय होता है और
न कभी अस्त। वह तो एक ही स्थान पर टिका रहता है। हमारी पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती रहती है जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। ऋतुएं भी पृथ्वी की स्थितियों में परिवर्तन होने के कारण बदलती रहती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य ऊर्जा का विपुल भंडार है। ऊर्जा क्या होती है? क्या वह तेज है, गर्मी या उष्मा है, अथवा शक्ति है? वैज्ञानिकों ने ऊर्जा को काम करने की शक्ति माना है। सूर्य की प्रार्थना करने वाले सदा यही तो मांगते हैं, हे सूर्य देवता, हमें धन धान्य दो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कार्य संचालन करने की इस शक्ति को ही आज हम ऊर्जा कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा चिरकाल तक बनी रहने वाली ऊर्जा है। पृथ्वी में भी ऊर्जा के अनेक भंडार हैं। पहले मनुष्य लकड़ी और पशुओं के गोबर के कंडों आदि से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को काम में लाता था। आज वह पृथ्वी के तल में छिपे कोयला, तेल और गैस का भी प्रयोग कर रहा है। परंतु आधुनिक सभ्यता और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रगति की धुन में मनुष्य ने इस प्राकृतिक ऊर्जा को बहुत अधिक खर्च कर डाला है। हो सकता है कि भविष्य में ऊर्जा के ये सब स्रोत भी समाप्त हो जाएं। इसलिए आज संसार भर के वैज्ञानिक अन्यान्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जंगलों के अंधाधुंध कटने से मौसम और हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। समुद्र तटों तथा नदियों का पानी, शहरों की फैक्ट्रियों के मलबे और गंदगी से प्रदूषित हो गया है।
गैस के बदबूदार धुएं से हमारा वातावरण इतना अधिक प्रदूषित हो गया है कि मनुष्य और जीव जंतु धीरे धीरे मृत्यु की ओर खिसकते जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आधुनिक वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति से मानवता के सामने जो खतरे उत्पन्न हो गए हैं, आज हम उनके प्रति चिंतित हो रहे हैं। आज विश्व के अनेक देश ऊर्जा के ऐसे स्रोतों का उपयोग करने लगे हैं जो अक्षय हैं। इनमें सौर ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा का स्रोत गैस, तेल और कोयले की तरह समाप्त नहीं होगा। सूर्य अब नई नई आशाओं का प्रतीक बन गया है। आज हम अपनी प्रगति के लिए सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इस ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य में कितनी ऊर्जा है, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। अगर हम पृथ्वी पर उपलब्ध ऊर्जा के परंपरागत साधनों जैसे कोयला, गैस, तेल और लकड़ी आदि को एक साथ जला दें, तो इनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर 3 दिन तक पड़ने वाली धूप की ऊर्जा के बराबर भी नहीं होगी। यदि हम धूप को विद्युत में बदल दें, तो हमारी छत पर आने वाली सौर ऊर्जा से पूरा घर शीत ऋतु में गर्म और ग्रीष्म ऋतु में ठंडा रखा जा सकता है। इससे घर में रेडियो, प्रेस, इस्त्री, हीटर और अन्य विद्युत उपकरण भी चलाए जा सकते हैं। विश्व के अनेक देशों में वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त करने के अनेक सफल प्रयोग किए हैं। अब उन्हें इस ऊर्जा से रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और मोटर गाड़ियां तक चलाने में सफलता
मिल चुकी है। भारत में भी सौर ऊर्जा का अनेक कामों में उपयोग होने लगा है। भारत गांवों का देश है। हम गांव-गांव में बिजली पहुंचाना चाहते हैं। आजकल सड़कों के किनारे लगे प्रकाश खंभों के बल्बों को सौर ऊर्जा से जलाया जा रहा है। सामुदायिक केंद्रों में टीवी पर दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। सौर चूल्हों का निर्माण भी किया गया है, जिससे परंपरागत चूल्हों से उठने वाले धुएं से बचा जा सकता है। अब किसानों को सिंचाई पंपों को चलाने के लिए भी सौर ऊर्जा से विद्युत शक्ति प्राप्त हो रही है। इससे मिट्टी के तेल और कोयले की खपत में भी बचत हो रही है। हमारे देश में कभी-कभी सूखा पड़ जाता है। पानी की बहुत कमी हो जाती है। मदुरै के कुछ इंजीनियरों ने एक सौर भट्टी बनाई है। इस भट्टी की मदद से समुद्र के खारे पानी को पीने के मीठे पानी के रूप में बदला जा सकता है। यदि हम बड़े पैमाने पर इस प्रकार का मीठा जल उपलब्ध करा सकें, तो खारे पानी को पीने और कपड़े धोने के लायक बनाकर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। समुद्र के पानी को पाइपों द्वारा दूर दूर तक ले जाकर सिंचाई के और दूसरे कामों के उपयोग में भी लाया जा सकेगा। सौर ऊर्जा धरती पर तो उपयोगी सिद्ध हो ही रही है, अंतरिक्ष में भी मनुष्य इसका नए-नए आविष्कारों में उपयोग कर रहा है। अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह सौर ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करके अपना काम कर रहे हैं। इन उपग्रहों से हमें धरती के भीतर और
समुद्र तल की गहराइयों में छिपी प्राकृतिक संपदा के बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। इतना ही नहीं, उपग्रह की सहायता से हम आने वाले मौसम की जानकारी